चैनल मैं ममता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ आज एक ऐसा प्यारा सा DIY जो होगा बहुत ही अच्छा और जिसको आप अपने फेस पे यूज करोगे तो आपका फेस इतना ग्लो करेगा कि आप खुद यकीन नहीं कर सकोगे कि मेरा फेस इतना ग्लो कैसे कर सकता है, इतना गुलाबी गुलाबी चेहरा कैसे खिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आज बात कर रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियों की। तो हम एक ऐसा फेस पैक बनाएंगे जिससे आपके स्किन जिससे आपका फेस गुलाब की तरह ग्लो करेगा। मोस्टली हम हर चीज गुलाब जल का यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ्रिक्वेंस होता है और बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, एकदम गुलाबी गुलाबी स्किन हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। और ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा इसमें और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हो और आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस फेस पैक को डेली यूज करोगे तो आपका फेस बहुत ही अच्छा निखरेगा और एक चेहरे पर गुलाबी सा निखार आएगा, एक अलग शाइनिंग आएगी, एक चमक आएगी जो आपके खुद को यकीन नहीं होगा कि आप अपने फेस को ग्लो को इतना अच्छा बनाए रख सकते हो, आपका फेस इतना चमकदार बन सकता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको बता देती हूँ आपकी ये छोटी सी प्यारी सी रेमेडी बनाना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियों का एक चम्मच सूखा हुआ पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ पे गुलाब के फूल को सुखा के उसका पाउडर बना कर के रख लिया है डिब्बे में। और आपके पास अगर ये नहीं अवेलेबल हो तो आप गीले गुलाब का पेस्ट भी बना सकते हो जो मार्केट में हर सीजन में इजीली अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही मैं लूँगी अब सेकंड इंग्रेडिएंट्स, वो होगा मिल्क, जो कि हमने यहाँ पे कच्चा दूध लिया है जिसे आप रॉ मिल्क भी बोल सकते हो, जो 2 चम्मच लेना है। और ये हमारे सेहत के लिए स्किन के लिए अच्छा रहता है और हम जो गर्म दूध लेते हैं वो काम का नहीं रहता है, बॉयल होने से उसकी प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाती है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधे से कम चम्मच शहद, जो हमारी स्किन को टाइटिंग करने का काम करता है और हमारी स्किन को ब्राइट करता है और डीपली मॉइस्चराइजर देता है मिल्क के साथ। तो हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा चौथा इन्ग्रीडियंट्स होगा वो होगा नींबू, जिसकी मैंने यहाँ पे 4 से 5 बूंदे ली है। अगर आपको सूट करता है स्किन पे तो ले, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली इसका एक इंग्रेडिएंट्स है, वो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज का वो गुद्दा निकाल के, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज का पाउडर नहीं था, जिसे आप संतरे का पाउडर बोल सकते हो उसके छिलकों का, तो वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ऑरेंज का संतरे का एक फाकी सी लेके उसका गुद्दा निकाल के उसका वो जूस भी साथ में ले लिया है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसको अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है, ये फेस पैक गुलाब का फेस पैक बन गया है। और इस फेस पैक को आप कैसे लगाना है ये मैं आपको लगा के बता देती हूँ। और इस मतलब ये हो या कोई भी फेस पैक हो, कुछ भी आप अपने फेस पे ट्राई करो तो उससे पहले अपने फेस को मेकअप रिमूव करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप अपने फेस पे कैसे अप्लाई करोगे। फेस पैक से आपके चेहरे पे गुलाबी सनुकार नेचुरली रियली आएगा, सच्ची आएगा। तो देखिए इसको अपने फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ अवेलेबल नहीं हो तो मार्केट में जो गिल्ले रोज़ मिलते हैं आप उसको लाके और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार करके फिर आप उसका इसी तरह से एक फेस पैक बना सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेती हूँ और इसको आप अपने फेस पे डेली अप्लाई कीजिए। लगभग 10 दिन आप इसको अगर आप डेली अपने फेस पे यूज करोगे तो आपको नेचुरली गुलाबी निखार मिलेगा और 100% मिलेगा। जैसे हमारे फेस की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम गुलाब जल दूर करता है, उसी तरह ये फेस पैक जो गुलाब का फेस पैक है ये ज़रूर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और इसको जहाँ तक हो आप इसको नाइट में अप्लाई कीजिए। वैसे तो आप
इसे दिन में या नाइट में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप इसे नाइट में अप्लाई कीजिए, क्योंकि रात में कोई सा भी चीज़ हो उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। तो इससे आप अपने फेस पे इसे एकदम मोटी लेयर में लगा लें और 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ और फेस को वॉश करके मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा अच्छा सा ग्लोइंग निखार मिला है। और ये यहाँ पे सूख गया है, तो इसको सूखने के बाद हम इसको उतारेंगे तो ये डेड स्किन इसके साथ ही निकल जाएगी और जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो भी ओपन पोर्स होते हैं, वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फेस वॉश करके बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से गुलाबी गुलाबी निखार मेरे फेस पे आ गया है। मैंने यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं किया है और सिर्फ मैंने अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश किया है। और अगर आप इस रेमेडी को ट्राई कर रहे हो तो इसके 1-1.5 घंटे बाद तक आप इसके 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लगाना है अपने फेस पे, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है और कोई भी साबुन यूज़ नहीं करनी है। बस इसके लगाने के 1-1.5 घंटे बाद ही आप कोई भी जो भी नाइट क्रीम मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करो वो आप लगा सकते हो। और जहाँ तक हो आप, अगर आपके पास रोज़ पाउडर नहीं है तो आप अगर आपके पास रोज पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो आप गीले गुलाब को भी उसका पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हो। और इससे अपने फेस पे लगाइए, अपने लिप्स पे लगाइए, क्योंकि इससे लगाने से आपके लिप्स की जो ड्राई स्किन है वो भी निकल जाएगी और आपके हॉट पिंक पिंक हो जाएंगे। और मैं यूज करती हूँ इसको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, इसका 100% रिजल्ट मिलता है। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे अपने फेस पे डेली यूज कीजिए, कंटिन्यू 10 दिन तक यूज कीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके फेस पे इसने कितना काम किया है। और ऐसी ही प्यारी प्यारी रेमेडीज़ के लिए, DIY के लिए फिर मिलते रहेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी नई वीडियोस बनूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर मिलेंगे एक अच्छी सी होम रेमेडी के साथ, एक नई DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।